बहुत हो गए पहाड़, इट इज़ टाइम फॉर गोवा नाउ। सो टाइम आ चुका है एक नई लंबी राइड का, एंड ये वाली राइड होने वाली है 5000 किलोमीटर्स एंड फॉर अ चेंज। ओ आजा भाई आजा, हाँ। एंड फॉर अ चेंज वी आर नॉट गोइंग टू द हिल्स, वी आर गोइंग टू अ ड्रीम फॉर ऑल द राइडर्स आउट देयर। वी आर राइडिंग टू गोवा। द टाइगर इज़ रेडी, ऑल लोडेड अप। ट्रिप मीटर को करते हैं 0। सो आज है 25 जनवरी और सही दिन है बिल्कुल दिल्ली से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि कल अगर हम राइड स्टार्ट करते 26 को तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। और आज की डेस्टिनेशन है उदयपुर, विच इज़ अबाउट 700 किलोमीटर्स। 97 किलोमीटर्स पर आवर, 96 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ। 6:45 पे मुझे मिलना है सुमित और सुशील अंकल को DND टोल प्लाजा पे, एंड उसके बाद हम तुषार को मिलेंगे मूलचंद फ्लाईओवर के बाद, एंड देन वील राइड टुगेदर। लगा नहीं था कभी मैं ये बोलूँगा कि गोवा जा रहा हूँ बाइक पे, बट आज वो सच हो रहा है होपफुली। एंड होपफुली भगवान की सीधी नज़र रही तो हम अच्छी तरह से सेफली पहुँचेंगे गोवा, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो एक बार आपको बाइक दिखा देते हैं कैसे रेडी है गोवा जाने के लिए। ये देखो मेरा जो ट्रस्टेड लगेज सेटअप है, मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ। एक है मेरा टॉप बॉक्स और देन आई यूज़ द राइनॉक्स सैडल बैग्स। ओ आ गई ओए BMW, ऑक्स लाइटें भी लग गई हैं, ऑक्स लाइटें भी। कैसे हो अंकल, बहुत दिन हो गए, रेडी हो? पिछली बार हमने सोचा था ये बात। एंड वी आर जस्ट रीचिंग द मूलचंद फ्लाईओवर और इसको क्रॉस करते ही आई थिंक एंड्रूजगंज वाले जो बस स्टॉप पे विल मीट तुषार। टाइगर ने अपनी स्टार्टर मोटर वाला इशू दिखाया है, यहाँ बैटरी वाला इशू दिखाया है। 2017 सितंबर की परचेज बाइक है और ऑलमोस्ट आई थिंक 3.5 साल हो गए, तो बैटरी वॉज ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट। कल टाइम नहीं मिल पाया उस लेजीनेस के कारण, यहाँ पे ये इशू है। बस यार रुकियो मत यार, एक बार पहुँचा दे तो शोरूम ट्रायम्फ के, कोई भी जयपुर गुड़गांव कहीं भी करा लूँ यार। खींच के चलानी है भाई, अब कोई एक्स्ट्रा लाइटें नहीं, कोई हीटेड ग्रिप नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, सिंपल खींच के चलाओ। एंड दैट इज़ तुषार विद द टाइगर 800 जिसमें पैनियर्स लगे हैं, फुली लोडेड किट, और सुमित क्रूज कंट्रोल के मजे लेते हुए क्रूज कंट्रोल चलते हुए, बहुत ही बढ़िया। मल्टीस्ट्राडा 950 और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू 850 GSA विद इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, फुली लोडेड टाइगर। पुलिस वालों की इंक्वायरी चल रही है। अरे इसमें तो स्क्रीन लगी है। ओके जी। अरे तेरा कौन सा एग्जॉस्ट है तुषार, ये चलाते समय, तेज चलाते समय हाईवे पे आवाज सिर में नहीं लगती कि सही है? अच्छा बैफर डाल दिया अंदर से। गांव में से एक रास्ता लेना पड़ा था क्योंकि मेन हाईवे पे जैम था, और अभी चल चुके हैं हम 157.6 किलोमीटर्स ऑन द ओडोमीटर। आई थिंक हम 250 किलोमीटर्स के बाद ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे, और इशू तब ये होने वाला है कि बाइक को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, और उस समय ब्रेकफास्ट के बाद अगर बाइक स्टार्ट हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर धक्का स्टार्ट जिंदाबाद। और इस रेवाड़ी वाटर से रिपोर्ट करते हुए फार्मर प्रोटेस्ट का। ओए होए होए होए। और ये बहरोर आते हुए हमारी फेवरेट लोकेशन बहरोर। चलो बहरोर, यहाँ पे होगा हमारा ब्रेकफास्ट और यहाँ हमारी बाइक भी बंद होगी, तो होपफुली बाइक ऑन हो जाए। प्लीज 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 पुट्टी करके लगाओ, धक्का भी देना पड़ सकता है मेरी बाइक को। वाहेगुरु जी बचा लेना। बस सही है सही है। इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा भाई, स्यापे शुरू में हो जाते हैं तो पहले बैटरियाँ खराब हो रही हैं, अब ये बैग नहीं निकल रहे हैं। सारी बाइकों की बारी बारी हो। खींच दो क्या? नहीं खींचना, नहीं डुकाटी है। $132 kilometers to Jaipur after that breakfast break at the Pehror Cafe. थोड़ा सा ओरियो शेक, थोड़ा सा इडली सांभर, some muffins, and we are off after our breakfast. Or should be taking about 2.5 hours to Jaipur, where we'll get the battery replaced on my Tiger. 6,000 rupees for the new battery. Oh ho ho ho. मक्खन रोड आ रही है, मक्खन। क्या रोड जा रही है सामने, शू शा शू। अरे भाई नींद आ जाती है, पता नहीं धीरे चलाने में, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ओ मैं कहना 274.5 किलोमीटर हो चुके हैं दिन के। इंटरकॉम डिस्कनेक्टेड, इंटरकॉम फेल्ड, इंटरकॉम फेल्ड, इंटरकॉम फेल्ड। रुक जाओ। सो अपडेट ये है गाइस कि अभी हम जयपुर में हैं, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। और जयपुर ऑब्वियसली इसलिए आए थे कि ट्रायम्फ शोरूम पे जाके बैटरी चेंज करानी है। इनफैक्ट एक न्यू बैटरी लगानी है, क्योंकि जो ओरिजिनल बैटरी है वो अबाउट 3-3.5 साल पुरानी हो चुकी है। बाकी राइडर से मैं बाकी सबसे अलग हो गया था बाय मिस्टेक, बिकॉज उन लोगों ने बाईपास वाला रूट लेके एंटर कर रहे हैं वो जयपुर, और मैं बिल्कुल मिडल ऑफ द सिटी से गया, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह मिला मुझे। और अब जाके फाइनली 3 किलोमीटर रहता है, इसी बहाने पूरा जयपुर दर्शन हो गए। थोड़ा ट्रैफिक था, बट एक डर था दिमाग में कि ट्रैफिक में अगर बाइक बंद हो जाएगी तो पंगा हो जाएगा। बट एनीवेज, थोड़ा सा जयपुर भ्रमण बुरा नहीं लगा मुझे, डिफरेंट आर्किटेक्चर देख के काफ़ी दिनों बाद। और ये वाला एरिया तो यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शांति पथ वाला एरिया है दिल्ली का। ट्रायम्फ 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 ट्रायम्फ। कॉल पे बैटरी चेंज करने की बात करी थी एक। सर आप प्लीज़ वेट कर लीजिए, इसके लिए जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है वहाँ से बुला देता है। तो आप सर जल्दी से कर दो, उदयपुर जाना है, हमारी लग जाएगी नहीं तो हालत ख़राब। नहीं नहीं बैटरी। ₹90 पेट्रोल, इतना फ़र्क है यार दिल्ली और इसके प्राइस में। दिल्ली में तो 80 के करीब है शायद, 80 के करीब होगा। ₹10 से ज़्यादा का फ़र्क है। अरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा महंगा है। एंड द टाइम इज़ 4:28 PM, 4:30 बज चुके हैं। तो अभी प्लान यही है बाइक को भगाया जाए जब तक अंधेरा नहीं होता, और तभी एक ब्रेक लेंगे चाय वगैरह का। एंड उदयपुर पहुंच जाएंगे तो आई थिंक विल बी हैप्पी और विल बी ऑन ट्रैक फॉर दिस लॉन्ग राइड। और लॉन्ग राइड पे पहले दिन ही अगर पीछे रह गए अपने डेस्टिनेशन के प्लान से तो पूरे ट्रिप पे पीछे ही रहेंगे, इसलिए आज उदयपुर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चक्कर ये ना यार कि कुछ गाड़ियाँ ना थोड़ा पर्सनली ले लेती हैं, उनको ओवरटेक करते हैं। अब जैसे ये i20 आ रही है पीछे मैरून कलर की, लड़के चला रहे हैं इसको लौंडे। एंड दीज गाइज आर थिंकिंग कि भाई हमने तो बाइक से मज़े लेने हैं पूरे। भाई हमने आपसे मज़े नहीं लेने, आप चले जाओ, हम अपनी जल्दी में हैं। एक डेस्टिनेशन, एक उदयपुर पहुंचना है, किलोमीटर ज़्यादा करने हैं। आप तफरी पे निकले हो फिर भी हमारे से क्यों रेस लगा रहे हो, ये पंगा है। इस चक्कर में ये लोग रैश चलाते हैं और हमारे को रिस्क हो जाता है, आसपास से निकालते हैं ना जब ये। तो भाई अगर आप बाइकर्स वगैरह देखो रोड पे, अनटिल अनलेस वो आपसे बिना बात के पंगा ना ले रहे हो जो मेरे ख्याल से नहीं लेते यार, वो अपनी बाइक चलाते हैं और एटलीस्ट जो टोरिंग वगैरह करते हैं, तो आप उनके आस पास भी कुछ चिपक चिपक के ना चलाओ। ठीक है, आपने बाइक देखी, अप्रिशिएट करी, दैट शुड बी फाइन एंड इट शुड एंड देयर। उनको भी जान दो, अपना भी जाओ। तुषार इज़ ऑल्सो सैडलिंग एंड आई एम ऑल्सो सैडलिंग। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं यार विदाउट ब्रेक लिए। एक्चुअली लोगों को लगता है ये स्टाइल है, बट असली में अपनी बट को थोड़ा आराम दिया जा रहा है इस समय। 110 हो गए, 110 आ गए मुरानी ट्रायम्फ से। ठीक है, हमें ना अगली बार ना कुछ बिस्किट भी रख लेना चाहिए यार, पार्ले जी टाइप का मैं सोच रहा हूँ। हमेशा रखता हूँ और कभी भी नहीं खाता। इस बार मैं लेके नहीं आया। नहीं, अब मैं यहाँ से खरीद लूँगा कोई दुकान से ना, पार्ले जी वगैरह रख लो, भूख लग रही है, खाओ, आगे बढ़ो यार सीधे। मैं वही कहता था शुगर अच्छी होता है, थोड़ी चॉकलेट या बाज होनी चाहिए। 300 भाई साहब, अच्छी खासी राइड रहती है भाई। अभी 11 साढ़े 11 तक पहुँचेंगे मुझे लग रहा है। गोवा कार से तो तेज चलती है। नहीं, कार जैसी चलती है भैया, रोडें तो वही है ना, 100-110 पे ही चला पाते हैं, ऐसे ज़्यादा तेज़ में तो कुत्ता बिल्ली आ जाती है सामने। चलाते उतनी तेज़ है, चलने को तेज़ चल सकती है, पर रोड तो वही है ना। BMW दुकाती। हाँ जी, टाइगर। हाँ जी भैया, सब जानते हैं आप। ये कौन सा एरिया? किशनगढ़। किशनगढ़ गांव के वासी हूँ। मजेदार चल रही है बाइक। वो इशारों इशारों में बातें हो गई हैं कि क्या व्यू है भाई, देख देख देख, क्या बढ़िया सनसेट है यार, देखो जरा, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और जो फीलिंग आती है ना सनसेट की तरफ राइड करने में, ये तो सबको पता ही है। अगर आप राइड करते हो तो राइडिंग इनटू द सनसेट, ये तो बहुत सुना होगा, वही वाली फीलिंग आ रही है। पूरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और वी आर स्टिल राइडिंग मैन एंड चेजिंग द सनसेट। कार पार्किंग, अजमेर गेट रेस्टोरेंट एंड रूम, कुछ खाने को मिलेगा उधर कुछ। शाम के 6 बजे हैं अभी और वी हैव टेकन अ ब्रेक। प्रॉपर लंच तो नहीं हुआ हमारा आज। और ये रही हमारी बाइक्स, चारों बाइक्स, मल्टीस्ट्राडा, 2 टाइगर्स एंड द 850 GS। A few moments later, 4 hours 13 minutes है हमारा होटल यहाँ से, 242 किलोमीटर्स, और पहुँचेंगे हम 11:17 पे। 11:30-12 बजे पहुँचेंगे। नाउ आई हैव टू डू अ स्वीप, लास्ट में चलना है मुझे, सो दैट वी कैन मेंटेन प्रॉपर लाइन। देखो चारों एकदम लाइन में चल रहे हैं, तो एक अलग ही सेंस ऑफ सेफ्टी दिखती है। ज़्यादा वरी नहीं करना पड़ रहा मुझे कि मेरे सामने एक गड्ढा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई एम जस्ट होपिंग कि 3 बाइक्स क्रॉस करेंगी तो मुझे इतनी क्लियरेंस तो मिलेगी ही। ओ भाई, एक ट्रक रुका, उसकी आवाज़ें, और मैं उनका डर के भाई चुड़ैल आ गई। तो 94 किलोमीटर लेफ्ट। कम ऑन गाइस, कम ऑन। इंटरकॉम से आपा गोइंग ऑन, इंटरकॉम से आपा। ये क्या है यार, ये क्या है? ये ऐसी रोड चलते चलते ही राइड खत्म होना तो एकदम एक हैप्पी फीलिंग आ जाएगी एकदम। ये क्या राइड करी है, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी एलिवेटेड रोड हमारे लिए खाली पड़ी है पूरी एकदम। थोड़ा थोड़ा लीन भी हो रहा है। टनल आ गई, टनल, अब खींच दो। वो 28 मिनट आखिरी उदयपुर पहुंचने में हो जाएगा। 12 बजे तक पहुंच जाएंगे जिस स्पीड पे चल रहे हैं ना हम। रेलवे स्टेशन के साइड वाला होटल है। आओ ले ROI। चलो जी, 715 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट, 320। अभी कुछ खाने के लिए मिलेगा तो हम क्या भूखे मर जाएंगे आज? कुछ तो ऑप्शन होगा रूम सर्विस में।